ओम शांति। तो भोग की विधि एवं विधान में हम डिस्कस कर रहे हैं जीते जी मरने के भोग के महत्व को। तो भारत में ये रस्म है कि संबंधी के मौत के पश्चात भोग करते हैं उस आत्मा को तृप्त करने के लिए। वर्तमान समय हम देखते हैं कि अकाल मृत्यु का समय चल रहा है, इसके लिए एज कोई बैरियर नहीं है समय छूटने के लिए। रेदर यूथ जो है वो भी शरीर छोड़ रहे हैं। तो देखा जाता है कि बुजुर्ग घर में होते हुए भी जवान देह त्याग करते हैं, इसलिए जीते जी मरने के भोग की रस्म रखी हुई है ताकि पीछे हमारे लिए कोई भोग करे न करे, जीते जी दान पुण्य कर अपने भोग को करा लेते हैं। कि यूजुअली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पीछे युद्ध जो होते हैं वो दान पुण्य करते हैं। मान लीजिए अभी युद्ध ने ही शरीर छोड़ दिया और इनमें इतना शारीरिक रूप से या कोई भी और कारण से उतना नहीं है कि वो कर पाए इतना, इसीलिए ये एक तरीका है कि जीते जी हम दान पुण्य कर ले, अपने नाम से भोग लगा ले। तो ब्राह्मणों को खिला पिला कर वह आत्मा अपना पुण्य जमा करके जाती है। ऐसी आत्मा को अंत समय में बाबा की मदद भी मिलती है। हाँ, तो जीते जी भोग की विधि क्या है वो देखते हैं। जिसने भोग कराया है उसे तिलक देकर, शॉल ओढ़ा कर और बाबा के घर से, बाबा के वरदानों से भरी कोई सौगात आदि देकर सम्मानित करना होता है। फिर स्वच्छता और शुद्धता, भोग में स्वच्छता शुद्धता और पवित्रता ये ब्राह्मण जीवन की नींव है। शुद्धता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। भोग के समय विभिन्न प्रकार की सफाई पर अवश्य ध्यान देना है। सफाई संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। स्थान की सफाई, उसमें पहला पॉइंट है जिस स्थान पर भोग लगाना है उस स्थान को पूर्ण साधनों सहित स्वच्छ करें। दूसरा, आजू बाजू का स्थान भी साफ सुथरा हो। तीसरा, जिस स्थान पर बैठकर संदेशी भोग लगानी हो उस आसन की भी स्वच्छता पूर्ण रूप से हो, यूजुअली वो वॉश्ड होता है, क्लीन होता है। चौथा, किचन क्लीन नीट धुलाई किया हुआ हो। पांचवा, प्लेटफॉर्म भी क्लीन नीट धुलाई किया हुआ हो। छठा, भोग के बर्तन डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर नहीं रखने हैं। सातवा, भोग के सामग्री के बर्तन फूल फल इत्यादि रखना है जो हम भोजन खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं उस पर भोग के बर्तन रख सकते हैं। जो भोजन खाने में इस्तेमाल नहीं करते मैंने उसके लिए एक सेपरेट बर्तन रख दे, वो फल फूल के लिए उसमें रखे। नेक्स्ट पॉइंट आता है तन मन की स्वच्छता। भोग बनाने से पूर्व जो भोग बनाते हैं या उन बर्तनों को भी स्पर्श करते हैं तो ये ध्यान रहे कि उनके बाल धुलाई करे हुए हो। बाल खुले नहीं रखने हैं। सिर पर प्लास्टिक की कैप पहने या बालों को बांधे ताकि बाल उड़के भोग में या आसपास के बर्तन में ना जाए। इसमें पहली पॉइंट, भोग बनाते समय मुंह में कुछ ग्रहण न करे, है ना, खाते खाते भोग बना दे ऐसे नहीं। दूसरा, भोग बनाते समय नाक कान आदि को हाथ नहीं लगाना है। तीसरा, भोग बनाते समय स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, फ्रेशली वॉश्ड क्लोथ्स पहनने हैं। पसीने वाले वस्त्र, पहने हुए वस्त्र, दाग वाले वस्त्र नहीं पहनने हैं। चौथा, बाल खुले नहीं रखने हैं। सिर पर टोपी पहने और एप्रन पहने ताकि वस्त्र साफ रहे। पांचवा है, स्नान के पश्चात कोई गंदी चीज को हाथ नहीं लगाना है, जैसे झाड़ू फट्टा जूता आदि, उसमें जर्म्स होगी ना, इसलिए स्नान से पहले वहाँ पे झाड़ झूट पोछा या जो चीजें है वो रख दे, फिर स्नान के बाद सिर्फ भोग बनाने में लगे। अच्छा, फिर भोग में इस्तेमाल होने वाली चीजों की सफाई। इसमें पहली पॉइंट, आवश्यकता अनुसार भोग की डिब्बी, जल का लोटा, चम्मच, फूलदानी, ट्रे आदि धोकर तैयार रखे। दूसरा, अगर भोग दूसरे स्थान पर ले जाना है तो वो अलग से भोग की डब्बियां धोकर तैयार रखे जिसमें भोग ले जाना है। तीसरा, साथ में जल का बॉटल भी साफ करके रेडी रखे।
चौथा, भोग के फल धोके रखे, स्टिकर निकाल दे, फलों के डंडे और पत्ते निकाल दे। पांचवा, आवश्यकता अनुसार हार फूल फूलों की पंखुड़ियां धोकर तैयार रखे, फूल और पंखुड़ियां साफ करके रखे। छठा, गुलाब के फूल से कांटे निकाल के रखे। सातवा, भोग का सामान पोंछने के लिए स्वच्छ नैपकिन या टिश्यू पेपर तैयार रखे। आठवा, भोग के टेबल कवर धोकर सुखा कर प्रेस करके रखे। नौवा, भोग का टेबल स्वच्छ करके रखे। दसवा, भोग के टेबल के नीचे जमीन पर बिछाने का स्वच्छ कारपेट रेडी रखे या सफेद चादर रखे। ग्यारहवा, भोग बनाने की सामग्री को साफ करके रखे। बारहवा, प्लेटफॉर्म पोंछने का कपड़ा अलग रखे। तेरा, हाथ पोंछने का नैपकिन अलग रखे। चौदह, भोग के बर्तन और बर्तन पोंछने का नैपकिन अलग हो। पंद्रहवा, भोग के रुमाल स्वच्छ रखने हैं, प्रेस किए हुए हो। अच्छा, इसी को फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।